संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा होने के बाद संभल के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान सपा विधायक इकबाल महमूद के मियां सराय और सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास के पास हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हुई। सालों पुरानी जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने दूसरे दिन रविवार को भी बड़ा अभियान चलाया है। ये कदम उस क्षेत्र में हिंसक झड़पों के बाद उठाया गया है। प्रशासन ने सुबह से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया और इस दौरान नखासा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले घरों और दुकानों के बाहर बने हुए नालों को साफ किया गया। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि यह अभियान सार्वजनिक जगहों पर दोबारा स्थापित करने और नाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से चलाया गया है। इस अभियान के दौरान एक घर में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण का मामला भी सामने आ गया। वहीं आपूर्ति निरीक्षक योगेश शुक्ला ने जानकारी दी कि हाजी रब्बान के घर से 25 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें से दो भरे हुए थे, बाकी खाली थे। परिवार ने इन्हें शादी के लिए रखा हुआ बताया, लेकिन जरूरी दस्तावेज ये नहीं दिखा सके। इन सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है और अब FIR दर्ज की जाएगी। इस दौरान बिजली विभाग ने भी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर नवीन गौतम ने बताया कि दीप सराय में हुई छापेमारी में चार मस्जिदों और एक मदरसे में अवैध बिजली कनेक्शन मिला। इन कनेक्शंस में 130 किलोवाट बिजली चोरी की जा रही थी, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 1.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान 49 लोगों की पहचान की गई है और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच बंद पड़े मंदिर में नियमित पूजा भी शुरू हो गई है। महंत आचार्य विनोद शुक्ला ने बताया कि भक्तगण अब मंदिर में पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए PAC की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में अव्यवस्था को सुधारने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से ही ये अभियान चलाया गया। संभल में पिछले दिनों सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला था और इस दौरान एक जगह से मंदिर मिलने की खबर सामने आई थी। यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे, उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जिसने द्वार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। तब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। वही अब आज समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के इलाके में भी बुलडोजर गरजा। प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इलाके में पहुंची थी। संभल में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि ये कानून सम्मत कार्रवाई ही है। सड़कों पर निर्बाध यातायात के लिए अवैध रूप से सड़कों पर कब्जा कर रहे लोगों के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हालांकि संभल हिंसा के बाद हो रहे एक्शन को योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से ही जोड़ा जा रहा है। संभल सांसद जियाउर रहमान ने भी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं की ओर से लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि प्रशासन अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश रच रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।